अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं आज बना रही हूँ पास्ता दूध वाला। ये दूध वाला पास्ता बना रही हूँ। बच्चे शौक से खाते हैं तो मैं क्या, एक पॉकेट पड़ा है, चलो मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। एक ही बच्चा घर पे है, वो अच्छे से खाती है। ये पास्ता मैंने बनाया है, ये बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छी होती है। बच्चे बोलते थे चावल बनाओ, जर्दा चावल बनाओ, फिर वो नहीं बनाए। ये क्रिप्स सॉस बनाने पड़े हैं। और पास्ता हमारा तैयार होने वाला है, ये फूल का बहुत बड़े बड़ा हो जाता है। ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट। अब मैं प्लेटें तैयार करती हूँ। ये मैं प्लेटें रख ली हैं, ये बॉल से बॉल में डालूंगी। तो मैंने दूध पता नहीं ज़्यादा डाल दिया है, तो गला अच्छा हो ना फिर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम और इसको पकने देते हैं, फिर एक तो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। एक सेवइयां जो है ना, नूडल्स ये गल जाएंगे। एक हमारे घर पकी है कढ़ी, ये देखो पकौड़े वाली कढ़ी पकी हुई है। तो इसको ना मैं हांडी से निकाल कर फ्रिज में रखने लगी हूँ। ये हमारी देखो पकौड़े वाली कढ़ी पकी हुई, कढ़ाई कहते हैं। ये देखो बहुत अच्छी है, मज़ेदार होती है। कल मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लो, बहुत दिन हो गए हैं कढ़ी नहीं खाई। तो ये मैं क्या आपको ये भी दिखा दूँ। चलो आज ना मैं क्या, चलो आपको खाने वाली वीडियो दिखाऊं। पास्ता हमारा हो गया है रेडी। ये देखो
ये खाने से ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर बच्चों के साथ खाती रहती हूँ। ये देखो इसको, अब कढ़ी को रखते हैं फ्रिज में।